हेलो हेलो पीपल वेलकम बैक टू द चैनल टुडेज वीडियो इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो पर्सनली फॉर मी क्योंकि हमें लगता है कि हम ये एक चीज़ बहुत अच्छी तरह करते हैं बहुत बेटर और इसमें क्या ही बिग डील है यार बट 80% परसेंट ऑफ़ द टाइम नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम एट सम पॉइंट इन आर लाइफ हमने ये चीज़ गलत की है येस पीपल टूडे वेर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू यू एक्चुअली फिल एयर इन योर फुटबॉल क्या करेक्ट मेथड है क्या करेक्ट तरीका है कितनी बॉल के अंदर हवा होनी चाहिए हाउ डू यू मेजर दैट डिफरेंट टाइप्स टू मेजर दैट तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कर दो कर दो वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो पीपल ऑल लेट पीपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर एक बॉल रखी है जो कि बिल्कुल नई बॉल आप जब लेने जाते हो तो उस तरह रहती है डिफ्लेटेड है कम्प्लीटली और एक जो बॉल के अंदर ऑलरेडी हवा होती है पर कम है तो हम उसके अंदर भी हवा भरेंगे दोनों तरह से हम लोग सीखेंगे कि बॉल के अंदर हवा लोग कैसे भरते हो एनी फर्स्ट थिंग टू फिल एयर इन फुटबॉल यू नीड अ गुड फुटबॉल पंप किप्सा के दो पंप है मेरे पास ब्लैक कलर का और ये कलर का वन नाइनटी नाइन का पंप को जाता है जरूरी नहीं किप्सा का ही लेना है निव्या का भी आता है कॉस्को का भी आता है प्लीज फुटबॉल पंप लो वो साइकिल वाला पंप जो आता है जिससे टायर के अंदर हवा भरते हैं वो वाला मत यूज करना एनी anyway, वे चलो अब यहां पे आ जाओ अब हम लोग देखेंगे ये पंप में से आप पहले निकाल लो ये पिन पीछे जो यहां पे दी गई होती है इस तरह क्लॉक वाइज इसको यहाँ के यहाँ पे आप लोगों को इंसर्ट करना है लाइक like दिस इस तरह से आप लोग इसको इंसर्ट करके लॉक कर देना है यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो ये हो गया लॉक यहाँ पे नाउ व्हेन यू पुट एयर इन द फुटबॉल यहाँ पे तो ये ब्लैडर का होल है सो वेन यू पुट फुटबॉल जैसे सपोज अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं अगर ये पिन निकाल दूँ ठीक है सो वेन यू इंसर्ट द पिन तो आप पेन इसको इस तरह से सीधा डालो इसके अंदर ठीक है अल्पोर्टेट मैं डाल के भी दिखाऊंगा बट एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं इस तरह से आप लोग डाल देना एंड डोंट मूव योर दिस लाइक दिस वे आप लोगों की जो मूवमेंट होती है ना मतलब आप लोग डायरेक्शन चेंज करना चाहो जो पंप है उसके डायरेक्शन चेंज कर लो भरते हुए ऐसे रख लो ऐसे रख लो ऐसे कर लो वाल पंपिंग, लेकिन पंप ज़्यादा आप लोग हर डायरेक्शन में हिलाओ मत उससे जो पेन है ना ये वाला जो पेन है ना उसके टूटने के चांसेस होते हैं ज़रा चांसेस कि वो इसके अंदर ही स्टक होकर टूट जाए एनी सो द करेक्ट वे नाउ इज़ वी टेक अ फुटबॉल पम्प यहाँ पे पुटेट इनसाइड काम नहीं डालना है होल के अंदर डालना है साइड में डालोगे तो ब्लैडर को नुकसान पहुंचा सकते हो काम नहीं डालना आराम से चला जाता है इस तरह से थोड़ा प्रेशर देके के कंप्लीटली लॉक कर देना आप लोग आधा नहीं छोड़ना है पूरा करना है एंड देन यू गाई स्टार्ट पम्पिंग दिस इस तरह से फुल पंप देखो एक इसमें भी एक चीज़ बताओ फुल पंप पीछे तक खींचना और फिर डालना इससे जितनी मैक्सिमम हवा जा सकती है ना पंप के अंदर आई मीन फुटबॉल के अंदर तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारी चली जाती है तो दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू अगर जैसे आप लोग बोर हो गए मतलब बोर में आज ना अगर आप लोग ग्रिप चेंज करें तो फिर आप लोग ऊपर रह के कर लो बट डो नॉट मूव दिस ज़्यादा नहीं तो पेन तोड़ दोगे पेन टूट जाएगा भाई तो ब्लैडर को नुकसान पहुंच जाएगा लॉर्ड ऑफ पीपल पेन तोड़े यार लोगों ने ब्लैडर मार दिया फुटबॉल की करते हुए सो आई डोंट थिंक करेक्ट वे टू डू इट ऑब्वियसली बहुत हास्टेज है वो बॉल को भी नुकसान देता है और पेन को भी कितने पेन लेके आओगे भाई जाके तो आई थिंक इट्स बेटर कि इफ़ यू डू दिस ऐसे इस तरह से आप लोग रखो लेट पीपल आफ्टर अभी मैंने पूरी हवा भर दी है इसके अंदर अब जब आप लोग इसको बाहर निकालते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट तभी ये है इस तरह से आप लोग कुछ रख दोगे बॉल एंड नाउ वेन यू टेक इट आउट जैसे मैंने अगर पम्प करके इसको यहाँ छोड़ दिया सो यू जस्ट हैव टू होल्ड दिस ऐसे ऊपर रखना बेटर रहेगा ऐसे ऐसे मत रखना ऐसे रखना ऐसे, रखना, ऐसे रख तो यहाँ लग जाएगी वहाँ लग जाएगी थोड़ा दूर रखना है आपने आपसे ये पकड़ो एंड जस्ट पुल डेसे एक ही बार में एक ही चांस में एक ही टाइम में सब पुल कर दो ये 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 मतलब जो होता है ना जिस तरह से मैंने ये दिखाया था ये 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 करके मत क्या करो प्लीज़ मत क्या करो मेरे को तो देख के ही इरीटेशन होता है सीधा एक ऐसे लिया एंड खच करके निकाल दो एक्सट्रीमली सिंपल नाउ मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी हमें हम पता कैसे करना था क्या इनफ हवा भरी है कि नहीं फुटबॉल के अंदर सो so, एक स्टेटिस्टिक है विच इज़ फीफा की जो ऑफिशियल बॉल इन्फ्लेशन वाले जो क्या कहते हैं तो यूनिट होती है जो एक पॉइंट्स दिए जाते हैं उन्हें वो कुछ 8.5 पॉइंट से लेके 15.6 पॉइंट सिक्स विच इज़ पाउंड फोर स्क्वायर पर इंच होता है तो अगर अपने पास मीटर वाला पंप है तो तो सही है तो तो आप लोग अच्छा आराम से पता कर सकते हो बट मोस्टली अगर मीटर वाला पंप नहीं है तो क्या करना होता है इट्स वेरी सिंपल अब आके यहाँ देखो अब जैसे मैंने इसके अंदर हवा भरी थोड़ा सा दबा के देखो बॉल थोड़ी सी दबनी चाहिए इतनी कि आपकी जो फिंगर है ना कोई भी थोड़ी सी दब जाए इस तरह से ये जो है ना ये देख रहे हो आप लोग थोड़ा मूवमेंट बहुत सॉफ्ट मूवमेंट देख रहे हो अब ये तो हार्ड ग्राउंड बॉल है तो इसलिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आराम से पर कुछ बॉल्स होती है जैसे इस तरह होती है जिसके ऊपर प्रॉपर लैमिनेशन है अंदर अच्छा कवर ववर है सब कुछ जो इसका जो ब्लैडर है उसके ऊपर अच्छी से होती है तो ये क्या ये तो आप अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये तो इसका जो फोम है अंदर वो प्रेस हो है सो हाउ डू यू नो कि एक्चुअली करेक्ट हवा कैसे भरी है और पीपल अभी अपन देखेंगे कि किस तरह से अपने को पता करने का है कि यार अपनी जो हवा भरी है वो करेक्ट है कि नहीं विदाउट मीटर बॉल बाउंस करके देख लो जैसे कि अगर मैंने बॉल फेंक दी बॉल बाउंस बराबर हो रही है क्योंकि अभी हवा भरी मैंने इसके अंदर तो फिर ठीक है आई नो कि इसके अंदर हवा है अब जैसे सपोज ये इसके अंदर हवा थोड़ी कम है अब मैं इसको बाउंस कराता हूँ चलो फिर भी बाउंस हो रही है ऑल तो इतनी हवा कम नहीं है इसके अंदर पर फिर भी बॉल बाउंस हो रही है बट इवन आफ्टर दैट अगर बाउंस से भी नहीं पता चल रहा है तो वॉट यू कैन डू इज़ डू टच विद द बॉल जगल कर लो बॉल चाहिए तो टचेस कर लो जैसे सामने अब मेरे ये है तो मैं मार के देख लेता हूँ कि सही है कि नहीं और अगर उससे भी लगता है कि नहीं पता चलता है अपने को तो बॉल यहाँ रख दो बहुत सिंपल बॉल यहाँ रखी एक सीधा शॉट लेके देखो क्यों मैं ये चीज़ करने बोल रहा हूँ वो भी मैं बता दो जैसे अगर बॉल यहीं है अब मैं शॉट ले लेता हूँ तो सपोज़ अब बॉल कितनी ट्रैवल करनी चाहिए उसकी समझ हम सब लोगों को है बिकॉज वी प्ले फुटबॉल वी नो बॉल कितनी ट्रैवल एक्चुअली करनी चाहिए तो उसकी समझ हम लोग सबको है तो वो समझ को मैच करो आप इसके साथ कि हाँ आपको लगता है कि आपने इतनी पावर डाली और बॉल इतना ट्रैवल किया जैसे मैंने इतनी पावर नहीं डाली ना मैंने गोल में मारने की कोशिश की तो बॉल बाहर चल गई मेरे हिसाब से बॉल सही अब जैसी अगर निव्या वाली बॉल वाल, ये वाली जो है स्टॉप अब अगर मैं इसके अंदर थोड़ी ताकत लगा और मैं चाहूँ कि थोड़ी ऊपर जाए तो कर रही है ट्रैवल आई नो कि सही है कि नहीं है सो दीज आर सर्टेन वेज जहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि इसके अंदर हवा सही है नहीं है ये टेस्ट एंड ट्रायल थोड़ा करके देख लेना सिंपल है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम दोनों बॉल पे सीखेंगे तो अभी जो जो बिल्कुल ही डिफ्लेटेड बॉल है वो हमने सीख ली किस तरह से हमें करनी है अब जो थोड़ी इन्फ्लेटेड बॉल है और फिर हम जब मोस्टली इसमें जब हम हवा भरते हैं अब जैसे आप लोग देख लो तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आके देखोगे तो यहाँ पर हवा काफ़ी कम है काफ़ी दबरी है बॉल सो यहाँ पर क्या करना है सेम चीज़ लेनी है पेन डालना है आराम से आप लोगों को इंसर्ट कर दो हवा जब आप लोग भरते रहोगे ना इसके अंदर सो व्हाट आई डू एक्चुअली इस कि मैं इसको ना अपने नीज के बीच में इस तरह रख लो ये मैं बहुत बचपन से करता रहो क्योंकि मेरे को फिर पता चल जाता है कि सही हो रहा है कि नहीं नॉट नेसेसरी यू गा हैव टू डू दिस पर मैं ये चीज़ करता हूँ ऐसे नहीं तो फिर इस तरह से पकड़ लो बहुत लोग बहुत सारे मेथड से करते हैं नहीं तो चाहिए तो फिर एक जन आप अपने किसी दोस्त के साथ हो तो उसको बोलो पकड़ के रख भाई यहाँ से ऐसे यहाँ से पकड़ और मैं पम्प करता हूँ ये लोग यही सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो तो मैं तो मोस्टली इस तरह से ही पकड़ लेता हूँ करो 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 एक टाइम के बाद आपकी पंपिंग हार्ड हो जाएगी जब आप पंप करोगे तो क्योंकि बॉल के अंदर ऑलरेडी काफ़ी हवा है तो वो थोड़ा सा आप लोगों को अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ भाई ये इतनी हवा आई थिंक ठीक है एंड देन अगर आप लोग को लगता है कि नहीं है तो यू इस कैन चेक विद मेथड आई यू जो हमने फ़ुटबॉल वाला मेथड क्या किक वाला मेथड क्या टचेज वाला क्या बाउंस वाला क्या वो आप लोग सारे मेथड यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी सिंपल पूरी की पूरा हवा भर गई है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सब कुछ करना बहुत सिंपल मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया इट्स वेरी नॉन्स वेरी रॉ वेरी फॉर बिगिनर्स जो भी है बॉल के अंदर यही तरीका है भाई हवा पता करने का देर इज़ नो अदर वे सो दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगैन अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अपने ग्रुप्स में भी शेयर करो सबके साथ शेयर वेयर कर दो यार चैनल और आगे बढ़ाते देर इज़ मोर कंटेंट कमिंग अप और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हम लोग देखते रहो मेरा चैनल यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम